तो एक बार हम लोग ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था, क्योंकि फिर से हम उसकी कंटिन्यूएशन में रहेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा, आपका भी रिविजन हो जाएगा कि पिछली क्लास में क्या क्या बात हुई थी, राइट? तो हम लोग बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, उसकी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था नेचुरल रिसोर्सेज का, वो था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में देखा कौन कौन से दो टाइप के क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज के। सो द फर्स्ट वन वाज बायोटेक एंड द सेकेंड वन वाज ए बायोटेक रिसोर्सेज। अब बायोटेक रिसोर्सेज क्या था? ऑल द रिसोर्सेज दैट आर लिविंग एंड इट इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ए बायोटिक क्या था? एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज है दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ सर्फेस, दैट इज दे आर कॉल्ड ए बायोटिक रिसोर्सेज। उसमें एग्जाम्पल्स में मिनरल्स, सॉइल्स, स्टोन्स, मेटल्स, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, रॉक्स, एवरीथिंग जो भी नॉन लिविंग फॉर्म में है दे कम अंडर ए बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म था, जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था, वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। और स्टॉक किसको कहते हैं? यू नो द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस फॉर यूज, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ओके, तो स्टॉक में हमने क्या क्या देखा था कि दो टाइप का है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? ऑल दोज रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड इट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड अगेन एंड अगेन फॉर इट्स यूज, राइट? तो उसमें हमने एग्जाम्पल में देखा था एयर, देन वॉटर, सोलर एनर्जी, ऐसी जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जो हमारे एनवायरमेंट में इट्स प्रेजेंट देयर और दैट कैन बी रिन्यूड, हम उसे बार बार फिर से बनाकर रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं, राइट? तो वो सारी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? वो रिसोर्सेज जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक बार खत्म हो गया, एक बार एग्जॉस्ट हो गया, वो सारे रिसोर्सेज जो हमने यूज कर लिए, तो उसके बाद वो वापस बनने में काफी टाइम लगेगा। एक प्रोसेस होता है उन चीजों का, वो भी उन रिसोर्सेज का बनने का, और वो थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड इयर्स इट वुड टेक टू रिन्यू इटसेल्फ। इसमें हमने एग्जांपल में कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे। सो आई होप कि आपका रिविजन हो गया और अब आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। तो आज जो हम देखेंगे बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कौन कौन से हमारे दो क्लासिफिकेशन है। ओके, सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन हियर इज यूबिक्यूटस। ओके, यूबिक्यूटस किसको कहते हैं? द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। तो बच्चों इस टर्म को आप देखकर बिल्कुल हड़बड़ाओ मत कि दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू ऑल्सो, इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू लर्न। तो जितने भी जो भी रिसोर्सेज, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक एरिया में कुछ रिसोर्सेज होंगे, एक एरिया में कुछ रिसोर्सेज होंगे, ऐसे, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होता है। लाइक आपके क्लास में अगर किसी को काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो कुछ बच्चों को ये काम मिलता है, कुछ बच्चों को दूसरा काम मिलता है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे अर्थ सर्फेस पे भी नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे है? तो अगर आप देखोगे एयर, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे तो यू कैन डू दैट, राइट? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यूबिक्यूटस वही होता है, द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। तो एयर दैट वी ब्रीथ, इट इज फाउंड एवरीवेयर। अब वॉटर की बात अगर आप करोगे, तो वॉटर यू नो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। हो सकता है कहीं पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, कहीं पे कुछ कम अमाउंट में, कहीं पे बहुत कम अमाउंट में, राइट? राजस्थान ये सब देखो, एरिड एरियाज, तो वहां पे बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, बट इट इज प्रेजेंट बट नॉट दैट इन गुड क्वांटिटी। बट एयर इज समथिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम एयर होगा, कहीं पे ज्यादा होगा। हाँ, क्वालिटी में फर्क जरूर होगा, बट क्वांटिटी में फर्क तो बिल्कुल नहीं होगा। एटमोसफेयर जो हमारा है वो तो पूरे जगह पे, इट्स स्प्रेड आउट एवरीवेयर, राइट? तो यूबिक्यूटस टर्म वही होता है, द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। ओके, और दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज्ड यूबिक्यूटस से कैसे डिफरेंट है, लेट्स सी दैट। सो रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड। अब बच्चे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कुछ ही जगह पे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो, जैसे एयर की बात आप कर रहे हो तो वो हर जगह प्रेजेंट है, राइट? तो उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहोगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम, यू कांट डू दैट, राइट? तो
अगर आप बाकी जैसे कॉपर और आयरन ओर, आप एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे लिया है कॉपर और आयरन ओर, इसके अलावा बहुत जैसे बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हर जगह नहीं होता है, राइट, हर जगह वो प्रेजेंट नहीं है. कॉपर और आयरन ओर, इट्स नॉट दैट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. अगर आप वर्ल्ड में सर्च करो या फिर इंडिया में ही देख लो तो हर जगह कॉपर और आयरन ओर नहीं प्रेजेंट है, राइट. सो कहीं कहीं लोकल जो भी एरिया में प्रेजेंट है तो वो रिसोर्सेज लोकलाइज होते हैं. सो द रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टन प्लेसेज आर लोकलाइज, राइट. तो कोल, आयरन ओर, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो अपने अपने कोई सर्टन एरियाज में जहाँ पे वो उनका बहुत प्रोमिनेंट है, वो जमीन से आप निकाल सकते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, है ना. तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. वन इज यूबिक्विटस, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो इट इज एयर. एंड द सेकेंड वन इज लोकलाइज, सो उसमें द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन सर्टन प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल कोल और आयरन ओर. ओके, सो हेयर यू कैन सी आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल्स कोल एंड दिस इज आयरन. तो ये लोकलाइज्ड है, एयर इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यू कांट यू नो डिस्ट्रीब्यूट दिस एयर इवनली, हर जगह प्रेजेंट है, राइट. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर. अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, तो एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी हूँ, सो दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. सो लेट्स सी दैट. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. तो ये सेंटेंस का क्या मतलब है कि बच्चों हम लोग इतने टाइम अभी जो सब्सिक्वेंट सेशंस में हम लोग जो बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज उसके क्लासिफिकेशन का, हम लोग ने देखा बहुत सारे बेसिस पे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड है, राइट, और बहुत टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ओके, तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है. अगर आप इंडिया में देखो या वर्ल्ड में देखो तो इट्स नॉट दैट कि ये नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली हर जगह पे आपको डिवाइडेड मिलेंगे. जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन में ही देखा कि लोकलाइज्ड है, यूबिक्विटस है, राइट. तो आप अगर फिजिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अब कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल, सो द फर्स्ट वन हियर इज टेरेन. टेरेन क्या होता है, इट्स अ ले ऑफ लैंड. तो इसमें जैसे कोई रीजन माउंटेनियस रीजन हो गया, कोई रॉकी रीजन हो गया, कोई बिल्कुल प्लेन रीजन है, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उस एरिया में उस टेरेन के हिसाब से जो भी वहां पे सूट करता है वैसी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है. द नेचुरल रिसोर्सेज आर लाइक दैट देयर. ओके, क्लाइमेट देख लो कि क्लाइमेट भी हमारा हर जगह बहुत डिफरेंट होता है. अगर आप बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर हो तो ठंड होएगा, क्लाइमेट जो हमारा हमेशा वो नॉर्मल रहता है, या फिर आप नीचे डेक्कन साइड आ जाओ तो वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट हमेशा रहेगा. आप अगर वेस्ट रीजन में राजस्थान में चले जाओ तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है. ओके, तो क्लाइमेट भी डिफर करता है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भी जो आपको मिलेंगे दैट वुड ऑल्सो डिफर. तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन नहीं रहता है हर जगह. इंडिया में आपको इवन नहीं मिलेगा क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस हर जगह सेम नहीं होता है ऑल द टाइम. ओके, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ अ प्लेस. ओके, तो जैसे आप हिली रीजन्स में चले जाओ, उसके बाद फिर आप प्लेन एरिया में आओ, प्लेट्यू में आओ, तो वहां पे भी आपको देखेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी डिफरेंट डिफरेंट है. कहीं पे डेक्कन में ब्लैक सॉइल जैसे आपको बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट वो आपको नॉर्दर्न रीजन में माउंटेनियस रीजन में वैसा सॉइल बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट. आपको सेंट्रल रीजन में आपके पास बहुत एल्यूवियल सॉइल प्रेजेंट है, एल्यूवियल डिपॉजिट. तो ऐसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स दैट आर टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, राइट. ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच, राइट. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. तो बच्चों अब जो हमारा डिस्कशन हो गया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे क्लासिफिकेशन की भी बात हो गई है. एक बार ब्रीफ में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. तो नेचुरल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन द नेचर एंड दैट आर यूज्ड बाय मैन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, जितनी भी चीजें नेचुरली प्रेजेंट है हमारे अर्थ सर्फेस पे दे कम अंडर नेचुरल रिसोर्सेज. हमने डिविजन देखा नेचुरल रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज. हमने उसमें पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, राइट. द सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हमने पढ़ा बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज है हमारे. फिर हमने स्टॉक के बेसिस पे पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक हमने देखा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. और लास्ट जो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है दैट इज यूबिक्विटस एंड
सेकेंड वन इज लोकलाइज्ड, राइट। तो बेसिकली हमारे 3 to 4 क्लासिफिकेशन है, उनके जो सब क्लासिफिकेशन है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू राइट नाउ। ओके, एक बार आप फिर से जस्ट गो थ्रू इट, कंफ्यूजन आपको हो तो एक बार आप एक बार पढ़ो, एनसीईआरटी बुक में भी देखना, द पॉइंट वुड बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो हमने बच्चों सबसे पहली क्लास में अगर आप याद करो तो हमने पढ़ा था दैट रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज द नेचुरल रिसोर्सेज, द सेकेंड वन इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब हम लोग बच्चों ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। यू कैन सी मनी, राइट। द सेकेंड थिंग हियर बल्ब, थर्ड रेलवे ट्रैक एंड द ट्रेन, राइट, यू ट्रेवल यू नो इन दिस ट्रेन। ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक ब्रिज दिख रहा है। गिटार, यू नो दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर आप देखो तो शिप दिख रहा है आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस कूलर, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एवरीथिंग, एरोप्लेन, द क्लोथ्स दैट यू वेयर, दिस इज कंप्यूटर, दिस इज बाइक। आई थिंक यू आर फेमिलियर विथ ऑल दीज पिक्चर्स, राइट। लेकिन वॉट इज माई पॉइंट हियर टू शो यू दीज पिक्चर्स। तो ये सारी चीजें क्या हमें नेचुरली मिला है? थिंक अबाउट इट, कि क्या आपको लगता है कि बल्ब ये बिल्कुल नेचुरली बना है, या फिर ये ट्रेन बिल्कुल नेचुरली बना है, ये ऑटोमेटिकली नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है? नो, राइट। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स है, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो चीजें ह्यूमन ने खुद से अपने टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल, अपनी फिजिकल एबिलिटीज को यूज करके बनाया है, वो सारे रिसोर्सेज हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, आपको ट्रेन दिखाया है, फ्रिज दिखाया है, एसी दिखाया है। तो ये सारी चीजें तो इट्स नॉट गिवन टू अस बाय गॉड, और इट्स नॉट गिवन टू अस बाय नेचर, राइट। दीज आर थिंग्स दैट हैव बीन मेड बाय ह्यूमन। सो दीज रिसोर्सेज, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो ह्यूमन जो भी चीजें बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो रिसोर्स फॉर अस। ओके, सो ट्रेन इज ऑल्सो रिसोर्स फॉर अस, दैट इज यूज बाय अस टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्रिज इज ऑल्सो, कार इज ऑल्सो रिसोर्स फॉर अस। तो ये सारी चीजें ही हमारे लिए रिसोर्स हैं, है ना, बट इट इज मेड बाय ह्यूमन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? सो पीपल यूज रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आपको जब पिछले पिक्चर में मैंने जो भी दिखाया वो सारी चीजें कवर हो ही गई हैं। व्हीकल्स बनते हैं, बहुत सारे मशीन, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस। तो जो भी चीजें समझो कि जो वी ह्यूमन बींग्स वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज, दे कम अंडर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो आप अपने आस पास एक बार ऑब्जर्व करना, और आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना कि नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या क्या डिफरेंट है, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आप देखोगे कि आप लैंड की बात करोगे, सॉइल की बात करोगे, एयर की बात करोगे, वाटर की बात करोगे, क्योंकि जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। लेकिन जब आप अपने पापा की स्कूटर, अपने पापा की कार देखोगे, अपने घर में फ्रिज देखोगे, तो ये सारी चीजें आपकी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगी, ये आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी को ही यूज करके हम जितने भी स्किल्स हैं वो सारी चीजें यूज करते हैं, वो अपना नॉलेज लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम जाके एक रिसोर्स बनाते हैं, राइट। सो एनी ऑब्जेक्ट दैट वी आर यूजिंग इट, that is that becomes a resource. So technology is the application of you know latest knowledge and skill in doing or making things. Okay, so this is all about your human made resource. To bachcho, in short humne aaj kya kya complete kar liya hai, humne on the basis of distribution dekha, ubiquitous or localized resources hai, fir humne human made resource ke bare mein pad liya ki people they use natural resources to make other resources like that of bridges, vehicles and everything that is you know present here and made by humans, they all come under human made resource. अब हम लोग अपने next class में human resource के बारे में बात करेंगे, और उसके बारे में देखेंगे कि वो human made resource से different कैसे है. Thank you.